हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को स्वागत है हमारे आज के टॉपिक द स्टोरी ऑफ क्रिकेट के पार्ट टू में। और मैं हूँ अभिनव और इस स्टोरी के ऑथर है रामचंद्र गुहा एंड प्रिंसिपल बाय अभिनव जैन। फ्रेंड्स, पहले पार्ट में हमने क्रिकेट का इंट्रोडक्शन देख लिया था और उसकी दो कैरेक्टरिस्टिक देख ली थी और स्टेडियम्स के डिफरेंट शेप देख लिए थे। पहला क्रिकेट क्लब भी देख लिया था और इन दो ऑडिटीज थी आपको तो याद ही होगी, या आप प्लीज हमें कमेंट में लिख कर बताएं। और हमने क्रिकेट एक्विपमेंट उसमें जो चीज़ें लगती हैं उसके कुछ चेंजेस भी देख लिए थे। अब हम देखते हैं चेंज द शेप ऑफ क्रिकेट बैट। फ्रेंड्स ये देखिए, फ्रेंड्स ये आपको हॉकी स्टिक दिखाई गई है। फ्रेंड्स पहले जो बैट होता था वो भी ऐसे ही हॉकी स्टिक जैसे होता था, उसका एक कैन जो कर्व्ड होता था, जो मुड़ा हुआ होता था। अब उसका शेप ऐसा हो गया है जो हम मॉडर्न टाइम्स में इस्तेमाल करते हैं। अबाउट गेम इक्विपमेंट। फ्रेंड्स अब गेम इक्विपमेंट्स के बारे में जानते हैं कि वो बनते कैसे हैं। क्रिकेट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल्स आर ऑल मेड ऑफ नेचुरल मटेरियल्स। जो क्रिकेट के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल्स जैसे बैट और बॉल, वो नेचुरल मटेरियल्स प्राकृतिक पदार्थों से बनाए जाते हैं। द बैट इज मेड ऑफ लेदर, ट्वाइन एंड कॉर्क। बैट को लेदर, ट्वाइन और कॉर्क से बनाया जाता है। द मटेरियल ऑफ बैट चेंज टाइम टू टाइम। फ्रेंड जो मटेरियल था बैट का उसको बनाने का, वो टाइम टू टाइम उसका उसमें चेंज होता रहा। वंस इट वॉज कट आउट ऑफ ए सिंगल पीस ऑफ वुड। एक समय में सिर्फ एक ही सिंगल पीस लकड़ी के उससे बैट बना लिया जाता था। आज इसमें टू पार्ट होते हैं। पहला ब्लेड जो विलो ट्री के वुड से बनाया जाता है और दूसरा हैंडल जिससे हम बैट को पकड़ते हैं वो कैन से बनाया जाता है। आज भी जब इतनी टेक्नोलॉजी आ गई है, बैट और बॉल हैंडमेड यानी अपने हाथ से। फ्रेंड्स ये देखिए, फ्रेंड ये जो आपको दिख रहा है ये पोर्शन, फ्रेंड्स ये जो आपको दिखाई दे रहा है और ये यहाँ पे और अच्छे से दिख रहा होगा। फ्रेंड जो ये है वो हमारा ब्लेड है बैट का, और जो आपको ये दिखाई दे रहा है ये हमारा हैंडल है जिसको कैन से बनाया जाता है, और इस ब्लेड को विलो ट्री के वुड से बनाया जाता है। फ्रेंड्स हम आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन मैटर ऑफ प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, हमने जान लिया कि बैट और बॉल में क्या चेंजेस आए, वो कैसे वो बनते हैं। अब है प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स। द इन्वेंशन ऑफ वल्कनाइज्ड रबर लेड टू द इंट्रोडक्शन ऑफ पैड्स इन 1848 एंड प्रोटेक्टिव ग्लव्स सून आफ्टरवर्ड्स, एंड द मॉडर्न वुड बी अनइमेजिनेबल विदाउट हेलमेट मेड ऑफ लाइट वेट सिंथेटिक मटेरियल। फ्रेंड जो वल्कनाइज्ड रबर का जो इन्वेंशन हुआ तो उससे एक नया प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट आया जिसको पैर पर पहनते हैं और उसको कहा गया पैड, जो 1848 में आया। और प्रोटेक्टिव
ग्लव्स उसी के सूना आफ्टरवर्ड्स यानी 10-15 साल बाद प्रोटेक्टिव ग्लव्स भी आ गए। और जो मॉडर्न क्रिकेट है उसमें हम इमेजिन ही नहीं कर सकते हेलमेट के बिना। तो फ्रेंड हेलमेट जो है वो सिर में पहनते हैं और उसका भी बहुत बड़ा रोल है क्रिकेट में। और वो जो हेलमेट है वो लाइट वेट मटेरियल का बनाया जाता है ताकि वो जो बैट्समैन है उसके सर पे बोझ ना पड़े। फ्रेंड्स ये देखिए आपको बहुत अच्छे से दिखाया गया यहाँ पे, ये हेलमेट वो बैट्समैन की सुरक्षा के लिए, और उसके ये बैटिंग ग्लव्स, और ये आपको स्टंप दिखाए गए हैं, ये बैट और ये बॉल, उसके शूज पैड और ये बैग बॉक्स थाई पैड्स और ये क्लोथिंग, ये देखिए ये कीपर के भी पैड्स और कीपिंग के भी ग्लव्स। ऑरिजिन्स ऑफ इंडियन क्रिकेट, अब हम देखेंगे इंडियन क्रिकेट का ऑरिजिन कहाँ से हुआ, इंडियन क्रिकेट की शुरुआत कहाँ से हुई। ऑरिजिन्स ऑफ इंडियन क्रिकेट आर टू फाउंड इन बॉम्बे एंड द फर्स्ट कम्युनिटी वाज द स्मॉल कम्युनिटी ऑफ जुरास्ट्रियन द पारसीज ब्रॉट इन क्लोज कॉन्टैक्ट विद ब्रिटिश बिकॉज ऑफ देयर इंटरेस्ट इन ट्रेड। ऑरिजिन ऑफ इंडियन क्रिकेट को बॉम्बे जो मॉडर्न डे मुंबई है वहाँ पे पाए जाते हैं, और वो जो पहली कम्युनिटी थी क्रिकेट खेलने वाली वो पारसीज थे, जो इंडिया इसीलिए आए थे तब ब्रिटिश शासन था, तो उनका ब्रिटिश से बहुत क्लोज कांटेक्ट था क्योंकि उनका ट्रेड यानी व्यापार में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहता था। उन्होंने भारत का सबसे पहले का क्रिकेट क्लब खोला, वो उसका नाम था ओरिएंटल क्रिकेट क्लब, उन्होंने ये बॉम्बे में खोला 1858 में। फ्रेंड्स ये नॉलेज आपको एग्जाम्स में ही काम आएगी, जनरल नॉलेज भी मैं भी कहीं पूछ जा सकती। और ये ओरिएंटल क्रिकेट क्लब जो खोला गया उसको पारसी बिजनेसमैन स्पॉन्सर करते थे जैसे तातास एंड द वदियास, इनके नाम आप जरूर याद रखिएगा। द वाइट क्रिकेट एलाइट इन इंडिया ऑफर नो हेल्प टू पारसीज। फ्रेंड्स ये जो वाइट क्रिकेट एलाइट कहा गया है वो ब्रिटिश शासन के लिए कहा है जिन्होंने पारसीज की बिल्कुल भी मदद नहीं की। क्वेरल बिटवीन बॉम्बे जिमखाना एंड पारसीज, क्वेरल फ्रेंड क्वेरल की मीनिंग होती है झगड़ा, तो ऐसा ही एक झगड़ा बॉम्बे जिमखाना और पारसीज के बीच में ही था। ये क्वेरल बॉम्बे जिमखाना जो सिर्फ एक वाइट सॉली क्लब था जिसमें सिर्फ गोरे लोग ही खेलते थे और पारसी क्रिकेटर्स के बीच में हुआ एक पब्लिक पार्क को लेकर, पारसी लोग कंप्लेंट करते थे कि पार्क क्रिकेट खेलने लायक नहीं बसता था क्योंकि जो पोलो खेलते थे बॉम्बे जिमखाने वाले लोग उसके जो पोनीस रहते थे वो सरफेस में गड्ढे खोद देते थे। When it became clear that the colonial authorities with the Gymkhana, they built their own Gymkhana to play cricket. जब उनको पता चल गया कि हमें वो ग्राउंड नहीं मिलेगा सारी authorities और वो बॉम्बे Gymkhana, तो उन्होंने अपना खुद का Gymkhana बनाया खेलने के लिए। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, पार्ट 3 हम देखेंगे कि उसके आगे क्या हुआ। फ्रेंड्स अगर आपको हमारा चैनल के वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वाला वीडियो कैसा लगा। फ्रेंड्स पार्ट 3 भी जल्दी ही आएगा, इसे कीप लर्निंग विथ अभिनव एंड सोम जैन। थैंक यू वेरी मच।